वेलकम टू फूड शोड विद सीमा। ये मैंने पोहे के कटलेट्स बनाए हैं। ये एक कप पोहा लिया है, इसको हम अच्छे पानी से धो लेंगे और इसको मैंने दो बार धोऊंगी। मैं इसको देखो ऐसे धो लिया है, तो पानी फेंक देंगे हम। एक बार मैं और धो रही हूँ इसको, इससे इसका जो भी मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाएगी। ऐसे मिट्टी होती नहीं है। और इसके बाद हम इसको अब भिगो कर रखेंगे थोड़े से पानी से 10 मिनट के लिए। इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। और इसको हम 10 मिनट के लिए अलग कर देंगे। अब ये हमारा भीग गया। अब इसमें हम भीगने के बाद हमने एक कप बेसन डाला है। 10 मिनट हो गए थे। अब इसमें जिंजर, ग्रीन चिली, स्पिनच थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पालक ली है, आप मेथी ले सकते हैं। ये अजवाइन ले रही हूँ मैं। अब जैसे सर्दी आ रही है, मूली के पत्ते डाल सकते हैं। इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दो टीस्पून लिया है ये मैंने। ये हम इसमें डाल के और इन सबको हम मिक्स करेंगे। एक बड़ा थाल लेके उसमें हम इसको सबको इकट्ठा मिक्स कर देंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे पूरा हम इसको बाइंड कर लेंगे। और इसके अंदर ये हॉट ऑयल डाला है ये मैंने। इसमें आधा कप बिल्कुल गरम तेल डाल के इसमें मिक्स कर दिया। और फिर हम इसकी जैसे आलू टिक्की बनती है वैसे टिक्कियों की शेप बना के और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैं इसको गूंद रही हूँ, ऐसे पूरा इकट्ठा कर लूँगी और ये अब हम फ्राई करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जल्दी फटाफट फ्राई हो जाती है। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम इसको और ऐसे करके हम बनाते जाएंगे। ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स।